हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं कुछ बुक के बारे में बताने वाला हूँ, इनफैक्ट फिक्शनल बुक के बारे में बताने वाला हूँ जो एक ही राइटर ने लिखी हुई हैं और वो बुक बहुत ही अच्छी हैं। मैंने उनकी ई बुक पढ़ी थी और फिर मैंने उन्हें ऑर्डर किया है हार्ड कॉपी में और वो मेरे पास हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आपको उन बुक का रिकमेंडेशन दूँ, शायद वो फिक्शनल बुक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए क्योंकि मैंने वो पहले से पढ़कर रखी हैं। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो बुक हैं वो अश्विन सांघी की बुक है। अश्विन सांघी एक बहुत ही अच्छे सस्पेंस थ्रिलर राइटर हैं। उनकी बुक में सारी की सारी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं, मतलब वो सारी की सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बुक में समावेशित कर लेते हैं। मतलब जब आप उनके बुक को पढ़ते हो ना तो आपको ड्रामा भी मिलेगा, आपको रोमांच मिलेगा, आपको फताशी नॉलेज भी मिलेगा, आपको साईफाई टाइप की भी लगेगा कि हाँ ये साईफाई बुक है। और उनमें मतलब वो सस्पेंस भी बहुत ज़्यादा बना कर रखते हैं। उनकी बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं मेरे अनुसार, मैंने पढ़ी इसी वजह से कह रहा हूँ। बाकी की आपको लगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो जो पहली बुक है वो है चाणक्य मंत्र, जो अश्विन सांघी ने लिखी हुई है। और मैं इस बुक के पीछे क्या लिखा हुआ है जल्दी से आपको पढ़कर सुना देता हूँ। एक सांस में पढ़ी जाने वाली, इसकी प्रशंसा में लिखी हुई, हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा हुआ है। चाणक्य मंत्र पूरे राष्ट्र को प्रभावित करने वाले भारत के महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य पर आधारित जीवंत एवं दिलचस्प कहानी का पुलिंदा है। कहानी में रोमांचक मोड़ तब आता है जब उसमें चाणक्य की आज के अवतार गंगा सागर मिश्र का प्रवेश होता है। क्या वह सत्या में दखल देने वाला अगला महत्वपूर्ण व्यक्ति बन पाएगा? एक पुराने कस्बे में जन्मा गंगा सागर मिश्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं। समाज तो उसे मुश्किल से गुजारा चलाने वाले ब्राह्मण शिक्षक के रूप में ही देखता था, जबकि वो तो एक विभाजित महाद्वीप को एकल साम्राज्य के अधीन एक अखंड राष्ट्र में रूपांतरित करने वाले चाणक्य का अवतार था। चाणक्य के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपने देख लिया होगा कि इसमें क्या क्या लिखा है पीछे के भाग में। मैं पूरा का पूरा पढ़कर आपको नहीं सुना सकता क्योंकि लाइनें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये बुक मैं रिकमेंडेशन के तौर पर आपको देता हूँ। नेक्स्ट बुक जो है वो अश्विन सांघी की ही लिखी हुई बुक है, वो है सियालकोट गाथा। और सियालकोट गाथा बहुत ही अच्छी बुक है, ये थिक बुक आपको लगेगी देखिए। और इसके पीछे जो भी है मैं आपको जल्दी से पढ़कर सुना देता हूँ। जब सवाल पैसे का होता है तो सबका धर्म एक ही होता है। जैसे बिजनेसमैन अरविंद और अरवास की जिंदगियां ना चाहते हुए भी एक दूसरे से गुज जाती हैं और उनके रास्ते एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जबकि वे अपनी निजी और पेशेवर श्रेष्ठता को कायम करने की खातिर हर कानून को तोड़ते हुए अपनी कुटिल और हिंसक एजेंडा पर आगे बढ़ते रहते हैं। दोनों इस बात से अनजान है कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश है और जिसके लिए वे लड़ रहे हैं वो वास्तव में एक प्राचीन रहस्य को साधने की राह की अड़चन है, जिसका संबंध एक ऐसे समय से है जिसे बहुत पहले भुलाया जा चुका है। तो ये है सियालकोट गाथा, आपने देख लिया होगा कि इसके पीछे लिखा क्या है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक ही अश्विन सांघी की बहुत ही अच्छी बुक है, कृष्ण कुंजी। कृष्ण कुंजी अश्विन सांघी की एक मोस्ट रीडेड बुक है जो आपको पसंद ज़रूर आएगी। 5000 पहले पृथ्वी पर एक चमत्कारिक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम कृष्ण था, जिसने मानव जाति का कल्याण के लिए विश्वमार चमत्कार किए थे। मानव जाति इस विचार से सहर उठती थी कि कहीं कृष्ण भगवान मृत्यु को ना प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे दिलासा दिया गया था कि भावी कलयुग में जब आवश्यकता पड़ेगी तब वे एक नए अवतार में वापस लौटेंगे। आधुनिक युग में एक छोटी सा अमीर बालक इस विश्वास के साथ बड़ा होता है कि वही वह अंतिम अवतार है, लेकिन वह तो बस एक सीरियल किलर था। ठीक है, ये भी दिल धड़काने वाली, दिल को दहला देने वाली कहानी बताती हैं अश्विन सांघी यहाँ पर। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा, कृष्ण कुंजी। कृष्ण कुंजी के महाभारत से जुड़े रिलेटेड बहुत सारे कथनों को कथनांक किया गया है, चरित्र को बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है इस बुक में। ठीक है, तो नेक्स्ट बुक पर बढ़ते हैं। तो जो अश्विन सांघी की नेक्स्ट बुक है वो भी बहुत ज़्यादा रोमांचक प्रदान करने वाली बुक है। आप जब इस बुक को पढ़ोगे ना तो आपको सस्पेंस का ऐसा डोज मिलेगा कि आप हक्के बक्के रह जाओगे, आपका दिल दहल उठेगा। ठीक है, तो ये है
अश्विन सांघी की नेक्स्ट बुक कालचक्र के रक्षक, जो कालचक्र के रक्षकों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताती है। हालांकि ये कुछ लोग सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बड़े कातिल टाइप के होते हैं जो बहुत ज़्यादा हिंसक होती हैं, तो इसके बारे में कुछ इसमें लिखा हुआ है जो मैं आपको बताता हूँ। कुछ देशों के प्रमुखों को ऐसे गुमनाम हथियारों द्वारा मारा जा रहा है जिनके हमलों में कसाईयों से दक्षता थी और जो अपनी हत्या के तरीकों का कोई सुराग भी नहीं छोड़ते थे। ऊपरी तौर पर शिकारों के चुनाव में कोई भी कड़ी नहीं दिख रही थी। अश्विन सांघी की रहस्यमय और नशीली दुनिया में आपका स्वागत है। इस खौफनाक कहानी में अश्विन सांघी एक ऐसी दुनिया पेश करते हैं जहां धर्मों के संघर्ष में लोग आपस में भिड़े हुए हैं। इस पागलपन के बीच फंस गया है विजय सुंदरम, जो कि एक पढ़ाकू वैज्ञानिक है और जिसे बहुत धुंधला सा एहसास है कि उसकी लैब में बाहर की दुनिया बुरी दिखने वाली बिखरी हुई है। हालात कुछ ऐसे मोड़ लेते हैं कि विजय मजरेलियन लैब्स के भूलभुलैया में जा पहुँचता है, जो उत्तराखंड के घने जंगलों में स्थित एक रिसर्च संस्थान है, और उसके हाथ लगता है एक बहुत बड़े रहस्य का प्राचीन संकेत जिसे मानव जाति के विनाश में तेजी आ सकती है। फंसे हुए अपने असली शत्रु से अनजाने में विजय को मानवता और स्वयं को बचाने के लिए समय से लड़ना पड़ता है। तो इस बुक में बहुत ही अच्छी अच्छी कथानकों को बताया गया है और कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से कैरेक्टराइज किया गया है, तो आप ज़रूर पढ़िएगा कालचक्र के रक्षक। अश्विन सांघी की जो नेक्स्ट बुक है वो भी बेस्ट सेलर बुक रही है और वो बुक है रोजावेल वंशावली। रोजावेल वंशावली को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया। इनफैक्ट आप जब इस बुक को पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि एक देश से दूसरे देश को अश्विन सांघी ने किस तरह से जोड़ कर रखा है। ठीक है, तो इसके पीछे कुछ लाइन है जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। रोजावेल वंशावली एक रोमांचक सफ़र है जो अनेक द्वीपों सदियों का सफ़र करता हुआ आपको अपने अस्तित्व के सवालों के सामने ला खड़ा करता है। लंदन की लाइब्रेरी में किताबों की अलमारी में एक लकड़ी का बक्सा मिलता है। जब घबराई हुई लाइब्रेरियन उसे खोल कर देखती है तो बेहोश होकर फर्श पर गिरने से पहले उसके मुंह से बस एक ही चीख निकलती है। वेटिकन के एक पेचीदा गुप्त स्थान पर एक कातिल हसीना कसम खाती है कि वह अपने मत के विरोधियों का खात्मा कर डाली। लश्कर सल्तनता आश्रय सभ्य दिखने वाले 13 आतंकियों का समूह जिसकी जड़ें दुनिया भर में फैली हुई हैं, जिसकी तकदीर यीशु के 12 अनुयायियों की नीति से जुड़ी हुई है, उसका मकसद ही विश्व युद्ध करना है। किताब जिसे पढ़ते हुए आप अपने नाखून चबा लेते हो। अश्विन सांघी अलग अलग मसलों पर कमाल की डिस परोसते हैं। अश्विन सांघी डैन ब्राउन की भारतीय चुनौती बनकर उभरते हैं। तो ये है रोजावेल वंशावली, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिक्सचर करके दी गई हैं कि आप पढ़ते पढ़ते रोमांच के सागर में इस तरह से डूब जाओगे पूरी तरह से। ठीक है, तो ये अश्विन सांघी की 5 बुक थी जो मेरे पास हैं। एक और बुक है अश्विन सांघी की, द वोल्ट ऑफ विष्णु नाम करके कोई बुक है जो मैंने अभी खरीदी नहीं है और पढ़ी नहीं है। उसका हिंदी संस्करण उपलब्ध नहीं है क्योंकि मुझे ज़्यादातर सस्पेंस थ्रिलर बुक हिंदी में पढ़ना पसंद है। तो ये पाँचों की पाँचों बुक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ठीक है, अश्विन सांघी की लिखने की शैली को एक नवीन दक्षता के साथ वो लिखते हैं। आप जब इन बुकों को पढ़ोगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाला है। आप जब इन बुक को खरीदोगे और जब इन बुक को पढ़ोगे तो आपको अमीश के लिखी हुई शैली जो है वो तुच्छ सी लगने लगेगी, क्योंकि अश्विन सांघी की लिखी बुक को वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से उम्दा रूप से लिखते हैं। ठीक है, और हाँ, ये बात भी है कि अश्विन सांघी जब बुक को लिखते हैं ना तो वो बुक के बारे में बहुत सारी रिसर्च कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये बुक खरीदो ही, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इन बुक को पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये बुक ऐसी हैं कि आप जब इन बुक को पढ़ोगे तो आपको मज़ा आ जाए। मैं कहता हूँ, जब मैंने इन बुकों को पढ़ा था ई बुक फॉर्मेट में, अभी तो मेरे पास ये हार्ड कॉपी में है, लेकिन जब मैंने ई बुक फॉर्मेट में इन बुकों को पढ़ा था तो मुझे 2 महीने लग गए थे इन बुक को पढ़ने में, क्योंकि मैं पूरी तरीके से इन बुक में तल्लीन हो गया था। ठीक है, और बहुत ही अच्छी बुक है और मेरा ये रिकमेंडेशन आपको है कि आप ये बुक पढ़ें और इन बुकों को खरीदिए या फिर ई बुक के रूप में ही खरीदें, लेकिन आप इन बुक को पढ़िए। इन बुक में से कोई एक बुक आप उठा लिए सेपरेट बुक, उसके बाद में आप उन बुक को पढ़िए और फिर दूसरी बुक आप चूज़ कीजिएगा। ठीक है, आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारी रीडिंग करते रहिए और अपना ख्याल रखिए और अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव बनाते रहिए। ओके, टिल देन, बाय।